अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे मानसून स्पेशल स्नैक्स छोटे पकोड़े। आइए देखते हैं मानसून स्पेशल स्नैक्स छोटे पकोड़े बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और इसे कैसे बनाते हैं, देखते हैं। उसके लिए हमें चाहिए चावल। देखिए, एक कप चावल है। इसे हमने चार पानी से अच्छे से वॉश कर 4 से 5 घंटे तक अच्छे से भिगा कर रखा है। हरे मसाले में हमने लिया है थोड़ी सी कोथमीर चॉप करी हुई और 2 हरी मिर्च ली है, उसे भी हमने चॉप कर लिया है। 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जीरा, 2 उबले हुए आलू है, उसे हमने ग्राइंड कर पेस्ट बना लिया है। अब हम मिक्सर जार लेंगे और चावल, भिगे हुए चावल डालकर ग्राइंड कर लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। अब हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे और उसे ग्राइंड कर पेस्ट बना लेंगे। देखिए, चावल का पेस्ट बनकर रेडी है। देखिए, अब हम एक बोल ले लेंगे, उसमें डालेंगे चावल का पेस्ट। अब हम डालेंगे आलू का पेस्ट, उबले हुए आलू का पेस्ट डालेंगे। देखिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए, इस तरफ एक ही तरफ घुमाते हुए इस तरीके से मिक्स कर लीजिए। देखिए, अच्छे से मिक्स कर लिए। अब हम इसमें डालेंगे कुकिंग सोडा 1/2 टीस्पून। अब हम डालेंगे जीरा और नमक। अब हम डालेंगे हरा मसाला चॉप करी हुई हरी मिर्च और कोथमीर। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए, अच्छे से मिक्स कर लिए। अब हम इसे रेस्ट के लिए रख देंगे 15 मिनट के लिए। देखिए, अब हम चटनी बनाएंगे। उसके लिए हम लेंगे 1 टेबल स्पून चने की दाल, 1/2 टीस्पून राई, 1/2 टीस्पून नमक, 6 से 7 कलियां है लहसुन की, 2 सूखे लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून शक्कर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा टमाटर लेंगे। इसे हमने इस तरीके से कट कर लिया है और 10 से 12 पत्ते हैं करिया पाक के। देखिए, हमने चूल्हे पर पैन रख लिया है। अब हम इसमें डालेंगे तेल डालेंगे 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे। देखिए, तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन, चने की दाल डालेंगे, सूखे लाल मिर्च डालेंगे और राई डालेंगे, नमक डालेंगे। देखिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें टमाटर। अब हम डालेंगे थोड़ी सी शक्कर 1/2 टीस्पून और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और हम डालेंगे करिया पाक के पत्ते। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे लिड लगाकर सिम फ्लेम पे 2 मिनट टमाटर सॉफ्ट होने के लिए रखेंगे। देखिए, सिम फ्लेम पे 2 मिनट हो गए हैं, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए, 15 मिनट हो गए हैं, इसकी कंसिस्टेंसी इतनी रहनी चाहिए। देखिए, हमने चूल्हे पर कढ़ाई रख ली और तेल भी गर्म हो गया है। इसमें डालेंगे छोटे पकौड़े। देखिए, इस तरीके से डालिए। देखिए, फ्लेम मीडियम कर इसे टर्न कर लीजिए। मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन हुए तक इसे फ्राई कर लीजिए। देखिए, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। देखिए, इस तरीके से अब हम सारे छोटे पकौड़े फ्राई कर लेंगे। देखिए, ठंडा हो गया है। अब हम चटनी ग्राइंड कर लेंगे। देखिए, अब हम मिक्सचर जार लेंगे, उसमें जो हमने चटनी के लिए टमाटर का बना लिया था वो डालेंगे। देखिए, अब हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून पानी डालेंगे। इसे ग्राइंड कर लेंगे और इसका पेस्ट बनाएंगे। देखिए, चटनी को ग्राइंड कर लिए, चटनी रेडी है। देखिए, अब हम सर्व करेंगे। देखिए, छोटे पकोड़े सर्व करने के लिए रेडी है। देखिए, बहुत ही मज़ेदार है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसे पुनगुलू भी बोलते हैं। देखिए, ये आसान तरीका है बनाने का, आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। आप इसे स्नैक्स में बना सकते हैं,
आप इस तरीके से बनाइए, बहुत ही मजेदार बनेंगे। आप एक बार जरूर ट्राई करें। हमारे चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।